Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and hello everyone. आज हम review करने जा रहे हैं दो razor की, एक है Gillette का Mark 5 और है Wilkinson sword जो है वो Hydro 5. मेरा favorite है, मैं आपको बता दूँ, मैं Wilkinson 5 ये वाला बहुत ही साल use करता रहा हूँ और अब मैंने कहा कि इसको change किया जाए. तो नया वाला, पहले वाला model तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब देखते हैं कि ये वाला मॉडल कैसा है. पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो है वो साइज़ वगैरह क्या है, दोनों तकरीबन एक ही जितने हैं अगर इनको साथ साथ रखा जाए तो, ऑलमोस्ट सेम है. और इनकी जो वेट की अगर बात करें ये 43 ग्राम है Wilkinson sword वाला, और Gillette वाला जो है तकरीबन 49. ओके, तो अब जो है इनकी पहले शक्ल देख लेते हैं, पहले Gillette की देखते हैं जी. ये है इसकी जो मेन फीचर है वो ये है कि जी ये आप ये साइड टू साइड मूव कर सकता है, और इसके आगे जो है ना 5 प्लेट्स लगे हुए हैं और एक जो है इसके पीछे है जो प्रिसीजन के लिए है. इस जगह पे ये जो है ना एक प्लेट है और ये सामने 5 प्लेट है, और बाकी ये है कि ये प्लेट इस तरह मूव करता है. अगर आप Wilkinson sword की बात करें तो इसमें सामने 5 प्लेट लगे हुए हैं, और इसको अगर आप पीछे करें तो प्रिसीजन ट्रिमिंग के लिए इस्तेमाल किया, जो मुझे बहुत पसंद है इनकी ये चीज़, क्योंकि इसके साथ ऊपर से पीछे से शेव करना, ट्रिम करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है. और ये भी जो है आपका है वो इस तरह साइड टू साइड मूव करता है, और जो इसमें एक है ये कहते हैं कि शॉक अब्जॉर्वर, ये बटन लगा हुआ है, इसको अगर आप पीछे करें तो ये ऐसे इंच की तरह काम करता है. अगर इसको आप ऑफ़ करना चाहें तो इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं. तो ये थे इनके कुछ मेन फीचर्स. आए चले देखते हैं इनको शेव करके. मैं एक साइड की शेव करूँगा Gillette से, और एक साइड से Wilkinson sword की से करूँगा, फिर आप डिफरेंस देखिएगा. अब हम आ गए हैं जी अपने वॉशरूम में. अब जो है ना मैं इसको शेव करने लगा. राइट साइड जो है मैं Gillette फ्यूजन से जो करने जा रहा हूँ शेप, और लेफ्ट साइड जो है ना वो Wilkinson sword से करूँगा. अब ये एरिया जो है वो ट्रिकी है, क्योंकि मैं इधर इस तरह सीधे से काटता हूँ, तो इसके लिए ये जो है ना ठीक नहीं. अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ क्योंकि ये एक प्लेट है तो वो इतने अच्छे तरीके से नहीं काट रहा. फर्स्ट एरिया अच्छे तरीके से काट रहा है लेकिन सीधा नहीं है. आप इस एरिया को मैं सीधे से काटता हूँ. मुझे तो इस चीज की कोई समझ नहीं आई. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्यों इन्होंने डाला है, इसकी क्या जरूरत है. आपका चेहरा ज्यादा इस तरह ही होता है, इस तरह तो नहीं होता. दूसरी चीज़ ये, अगर आप देखना चाहें तो ये तकरीबन
दोनों एक ही जितना करते हैं मूव। ये शॉक एब्जॉर्बर लगा के ऑन करके मुझे शॉक एब्जॉर्बर कोई पसंद नहीं आया तो मैं इसको ऑफ करूँ क्योंकि बहुत ही पीछे चला जाता है, जोर लगा देते पड़ता है। मुझे ये कहना पड़ेगा लंबे बालों पे लिए के लिए जिलेट ज़्यादा बेहतर है, अच्छे तरीके से काट रहा था, ये इतने अच्छे तरीके से नहीं काट रहा। अब जो है ये देखिए, ठीक है, जिलेट के लिए इतना ईजी नहीं था काटना, अब जो है ना मैं इसे काटूंगा। ये एरिया तो भूल ही गया था मैं, तो जिलेट के साथ ये एरिया करो। अच्छे तरीके से मैंने मुंह धोया क्योंकि लास्ट टाइम भी किसी एक दोस्त ने जो एक और वीडियो थी उसने कहा था कि जी मेरे मुंह पे जल लगी रह गई है, तो मैंने उन भाई का गिला धोने के लिए मुँह अच्छी तरह धोया है। इस दफ़ा होपफुली अभी कोई क्रीम नहीं कहीं जल किसी जगह पे लगी होगी। अब आप देख लें ये साइड मैंने जिलेट मार्क 3 फ्यूजन मार्क 3 से की है और ये वाली विल्किंसन सॉल्ट हाइड्रो 5 से। वो आप देख लें दोनों में से जो भी आपको पसंद आए उसको इस्तेमाल करें। दोनों बहुत अच्छे हैं अगर आपकी लंबी दाढ़ी फॉर एग्जांपल आप 2 या 3 वीक के लिए छोड़ देते हैं फिर ट्रिम कर शेव करते हैं तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये लंबे बालों पे अच्छा काम करता है। अदरवाइज अगर आप जैसे मेरी बियर्ड है मैं इसको शेप बनाता हूँ तो उसके लिए ये जो है ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इससे आप 5 ब्लेड हर जिस जगह पे भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो इसके ऊपर एलोवेरा जेल लगी हुई है वो काफ़ी आपने देखा होगा काफ़ी स्टिकी थी, जो मुझे तो इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन यह कि इसके साथ भी आपको वो मॉइस्चराइज़र टाइप होता है लेकिन वो इतना स्टिकी है और नहीं है, लेकिन इसके साथ ये है। और बाकी रहा ये जो शॉक अब्जॉर्वर है मेरे ख्याल में किसी काम का नहीं है तो इसलिए मैं इसको ऑफ रख के यूज़ करूँगा। चलिए थैंक यू सो मच आपके टाइम का और इस चैनल को सपोर्ट करने का, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच आपके टाइम का और इस वीडियो को देखने का। ओके बाय।